Question 1. Which of the following blood groups is called the universal donor? इनमें से ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि हर ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है? सो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सारे ही ब्लड ग्रुप्स के साथ कंपैटिबल होता है, बट यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, जो यूनिवर्सली कंपैटिबल सारे ब्लड ग्रुप्स के साथ नहीं होता है, वो होता है जो पॉजिटिव ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके साथ कंपैटिबल होता है, जैसे कि ए प्लस, बी प्लस, ओ पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव। बट जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो सारे ही ब्लड ग्रुप के साथ कंपैटिबल होता है, एंड ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ ए बीस को ही अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, बट इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप का अपना एक्सेप्ट कर सकता है। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओ। क्वेश्चन 2, डैश इज रिच इन विटामिन ए। ऑप्शन ए, लेमन जो है विटामिन सी का रिसोर्स है। ऑप्शन बी, बीटरूट एक रिसोर्स है आयरन, पोटेशियम एंड मैंगनीज का। ऑप्शन सी, पल्सेस इज रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड ऑप्शन डी, कॉड लीवर ऑयल इज रिसोर्स ऑफ विटामिन ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, कॉड लीवर ऑयल। क्वेश्चन 3, हाउ कैन यू डिटरमाइन इफ एन एग इज फ्रेश। एग फ्रेश है या नहीं ये जानने के लिए एग फ्लोट टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आप एक बाउल लेते हैं या बकेट लेते हैं जिसमें पानी फिल कर लेते हैं, और जब आप उसमें अंडा डालेंगे और अगर वो सिंक कर जाता है यानी नीचे चला जाता है बिल्कुल बॉटम में, तो उसका मतलब है कि वो फ्रेश है। और अगर एग पुराना हो चुका है तो वो फ्लोट करेगा, या फिर और पुराना हो गया है तो वो और ऊपर की लेयर में वो तैरेगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग जैसे जैसे पुराना हो जाता है उसके अंदर के जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो बड़े होने लगते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है और एयर से रिप्लेस हो जाता है, तो अंडा जो है हल्का होने लगता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इफ इट सिंक्स इन वाटर एंड लेज फ्लैट ऑन इट्स साइड। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उसी में ही वो रह सकते हैं, और एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड कोल्ड ब्लडेड के एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स एंड फिश। सो हियर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज ऑप्शन ए, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन 5, द गिवन पिक्चर शोज अ फिनोमिनन ऑफ डैश इन आउल। ये जो इमेज दी गई है उसमें आप देख सकते हैं कि आउल जो है ट्री के ट्रंक में इस तरीके से ब्लेंड हो गया है कि वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो ट्री का पार्ट नहीं है। सो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैमोफ्लेगिंग। कैमोफ्लेग इज अ नेचुरल फिनोमिनन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्लेंड इनटू देयर एनवायरमेंट। वो अपने शिकारी से बचने के लिए इस तरीके की उनको नेचुरल प्रॉपर्टी मिली हुई है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जो हम सारे जानते हैं, वो है गिरगिट यानी कि कैमेलियन, जो एक मुहावरा भी है गिरगिट की तरह रंग बदलना। हेंस करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कैमोफ्लेगिंग। ऑप्शन ए में जो हाइबरनेशन की बात की गई है उसका मतलब होता है अ काइंड ऑफ डीप स्लीप, जैसे कि बीयर्स होते हैं यानी कि भालू, जो विंटर के दौरान एक अंदर अपना ढेर सारा खाना ऑलरेडी खा चुके होते हैं एंड देन डीप स्लीप में थ्रू आउट विंटर वो चले जाते हैं। जब वो हाइबरनेशन के प्रोसेस में होते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से उनकी एनर्जी कंजर्व रहती है। ऑप्शन सी, माइग्रेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ ईदर पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट वाली जो बर्ड्स होती हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड उनके एरिया में पड़ती है तो वो उस कंट्री में चली जाती हैं जहाँ का वेदर वार्म होता है। इवन सम वेल्स जो होती हैं वो स्विम कर जाती हैं फ्रॉम कोल्ड पोलर रीजन टू वार्मर वाटर्स इन विंटर। ऑप्शन डी, एस्टिवेशन का मतलब होता है इट्स इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और स्लीप ड्यूरिंग समर इन हॉट टेम्परेचर दैट एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म गो इनटू। कुछ जानवर जो होते हैं जो डेजर्ट रीजन में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो लोग टेम्परेचर से बचने के लिए और अपनी एनर्जी बचाने के लिए एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, एंड इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रिला। सो
correct option is B, hydrilla. Question 7. The fort shown in the picture is located in dash. यहाँ पे जो आप फोर्ट देख रहे हैं उसके नीचे नाम लिखा हुआ है गोलकुंडा फोर्ट जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है एंड हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स. क्वेश्चन 6. डैश इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ऑप्शन ए को पहले देख लेते हैं. सो ब्रिजटाउन इज कैपिटल एंड पोर्ट ऑफ द आइलैंड स्टेट ऑफ बारबाडोस. ऑप्शन बी ब्राजीलिया इज currently the capital of Brazil. Option C, Brussels is capital of Belgium. Option D, Bogota is the capital and the largest city in Colombia. Hence, correct option is C, Brussels. Question 9. Who was the first Asian to win the Nobel Prize? Rabindranath Tagore won a Nobel Prize for Literature in 1930 for his collection Gitanjali that was published in London in 1912. So, correct option is A, Rabindranath Tagore. Question 10. Find the combination of numbers so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. यहाँ पे हमें meaningful English word form करना है दिए गए alphabets से. So, option A से हम शुरुआत करते हैं. तो option A में कुछ एक word बना है जो कि कुछ meaning नहीं दे पा रहा है. Even in option B, कोई meaningful word form नहीं हो पा रहा है. Then again, option C से भी कोई meaningful word नहीं form हो पा रहा है. And finally, in option D, a meaningful English word talent is formed. Hence, correct option for this question is option D. Question 11. Which of the following is not a dwarf planet? Dwarf planet का मतलब होता है कोई भी round object जो कि space में sun के around घूमता है, but उतना बड़ा नहीं होता है कि जो वो planet कहलाया जाए और वो जो other objects उसके बीच में आते हैं उनके लिए path भी clear नहीं कर पाता है. So, इसके example हैं Pluto, Ceres, Aries, Makemake and Handmaid. Even Haumea is a dwarf planet. But for this question, the correct option is A, Deimos. Deimos and Phobos are two moons of Mars and they are not a dwarf planet. Question 12. Which of the following is not a magnetic material? Magnetic materials are those metals or rocks that create an invisible field around themselves and this field attracts other magnets and certain metals. आपने देखा होगा जब आप magnet को nail यानी कि कांटी हो गई या आपका जो आयरन का पेंसिल बॉक्स होता है उसके पास लेके जाते हो वो चिपकना शुरू हो जाता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट हो जाता है. सो यहाँ पे जो नॉट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है वो है ऑप्शन डी गोल्ड. बाकी के तीनों जो हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं. क्वेश्चन 13. द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाई एक्शन ऑफ विंड रनिंग वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश. ऊपर के लेयर का जो सॉइल है वो नेचुरल फिनोमिनन से जब हट जाता है या इधर विंड से या वाटर से सो उसे कहा जाता है सॉइल इरोशन जो कि है ऑप्शन बी. ऑप्शन ए प्लॉइंग का मतलब है कि जब आप फील्ड को कल्टीवेट करते हैं किसी चीज को उगाने के लिए सो उसे प्लॉइंग कहा जाता है. आपने अक्सर देखा होगा ट्रैक्टर से फार्मर्स जो है प्लॉ करते हैं फील्ड को. ऑप्शन सी सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सॉइल को प्रिवेंट करना फ्रॉम इरोशन, रिड्यूस फर्टिलिटी कॉज्ड बाय ओवर यूसेज, फिर एसिडिफिकेशन एंड अदर केमिकल्स. ऑप्शन डी अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब आप न्यू ट्रीज प्लांट करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ फॉरेस्ट इट इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. ऑप्शन बी प्लास्टिक टॉयज, ऑप्शन सी पॉली बैग्स, ऑप्शन सी मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स. वो लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट में बिकॉज वो जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं सॉइल के साथ. बट ऑप्शन ए बनाना पील एंड अदर फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, ये सारे के सारे जल्दी सॉइल में मिल जाते हैं एंड मोर ओवर जब आप ये चीज़ें पिट में डाल करके कुछ दो तीन महीनों के लिए रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा कॉम्पोस्ट बनता है जो कि हमारे एनवायरमेंट सॉइल के लिए बहुत अच्छा रहता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज ए बनाना पील्स. Question 15. Which gas makes up about 21% of the atmosphere? Correct option for this question is option D, oxygen. Question 16. Which of the following idioms means sick?
ऑप्शन ए रैप योर हेड अराउंड समथिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज को समझना जो कि आपके लिए स्ट्रेंज हो। ऑप्शन बी टू मेक मैटर्स वर्स का मतलब होता है कि किसी मैटर को बहुत ज़्यादा उलझा देना या और उसको बुरा बना देना। ऑप्शन सी अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट वेरी वेल या फिर सीक होना। ऑप्शन डी एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देना। हैंस फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन इज सी अंडर द वेदर। क्वेश्चन 17, हु रोट डाउन द एपिक महाभारता व्हाइल वेद व्यासा वॉज डिक्टेटिंग। गणेशा द लॉर्ड ऑफ विजडम रोट डाउन द एपिक महाभारता व्हाइल वेद व्यासा वॉज डिक्टेटिंग। ऑप्शन ए गणेशा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सफिक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। मेंबर डैश ऑफ द क्लब इज ओपन टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो मेंबर में आप क्या ऐड करोगे कि मेंबर वाला जो वर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स ऑप्शन सी मेंबरशिप। क्वेश्चन 19, बोट रेस शोन इन द पिक्चर इज अ फेमस फेस्टिवल स्पोर्ट ऑफ। ये जो पिक्चर में आपको बोट्स दिख रही हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं, इस तरीके की जो स्पोर्ट है वो केरला स्टेट में होती है और ये जो बोट रेसिस होती हैं जनरली हार्वेस्ट सीजन के दौरान होती है जो कि अगस्त और सितंबर में करवाया जाता है और इन बोट रेस को कहा जाता है वल्लम काली। क्वेश्चन 20, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ जो ये चार इमेजेस आप देख रहे हैं वो लोगो हैं और ऑप्शन ए लोगो है विंडोज का, ऑप्शन बी लोगो है एंड्रॉयड का, ऑप्शन सी लोगो है लिनक्स का। सो ये तीन जो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी और सी, ये तीनों ही लोगो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हैं। ऑप्शन डी में जो लोगो दिया गया है, जो आप ट्राइंगुलर चीज़ देख रहे हैं, वो अक्सर आपने अपने लैपटॉप पीसी मोबाइल में देखा होगा, ये लोगो है गूगल ड्राइव का। गूगल ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गूगल ड्राइव इज अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज डिवाइस दैट एनेबल्स यूजर्स टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल्स ऑनलाइन। इसमें जो तीन कलर्स हैं, ब्लू इज फॉर डॉक्स, ग्रीन इज फॉर शीट्स एंड येलो इज फॉर स्लाइड्स। सो द ऑड वन आउट इज ऑप्शन डी गूगल ड्राइव। Question 21, which of the following has been renamed as Billie Jean King Cup in 2020? Billie Jean King Cup is the Women's World Cup of Tennis. The Federation Cup or the Fed Cup was renamed in 2020 of September in honor of former world number one Billie Jean King. Billie Jean King is an American former world number one tennis player and has won 29 Grand Slams titles, 12 in singles and 16 in women's double and 11 in mixed doubles. So, 1995 से लेकर 2020 तक इस कप का नाम था Fed Cup. Hence, correct option is A, Fed Cup. Question 22, who is the Minister of Road Transport and Highways of India? Minister of Road Transport and Highways of India is option C, Nitin Gadkari. Question 23, the 2020 Summer Olympics have been postponed because of COVID-19 pandemic and will now take place in Dash. Option B, 2021. Question 24, the current Chief of the Naval Staff of India is Dash. Correct option is A, Karambir Singh. ये क्योंकि 2020 का पेपर है, तब के करंट चीफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया थे करमबीर सिंह, बट 2023 में आपका आंसर होगा एडमायरल आर हरि कुमार। Question 25, the World Water Day is observed on Dash every year. World Water Day is observed on option A, 22nd March every year. Option C, 28th February is celebrated as National Science Day. Question 26, which of the following activities is not safe for a kid? Option A, Riya takes medicines after asking an adult. So, ye एक सेफ बात है कि आप अपने बड़ों से पूछ करके मेडिसिन लेते हैं। ऑप्शन बी, रोहन ऑलवेज होल्ड्स एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो ये भी एक सही बात है कि जब भी बच्चों को रोड क्रॉस करना होता है तो वो अपने से बड़ों का हाथ पकड़ के ही रोड क्रॉस करते हैं। ऑप्शन सी, सिया पिक्स अप एनी टॉय शी फाइंड्स लाइंग ऑन द रोड। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं रोड पर पड़ी हुई है जो स्ट्रेंज है हमारे लिए, तो उसे हमें नहीं उठाना चाहिए।
एंड ऑप्शन डी सैम डज नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. तो ये बिल्कुल सही बात है, किसी भी बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. सो द एक्टिविटीज दैट इज नॉट सेफ फॉर अ किड इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. इन ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, वी शुड हैव आई कॉन्टैक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीवन. सो ये बात करेक्ट है. ऑप्शन सी, हर्टिंग अदर्स इज अ बैड हैबिट. यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन डी, बाथरूम डोर शुड बी केप्ट क्लोज व्हेन नॉट इन यूज. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. हेंस द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन बी, वी कैन शेयर अवर टूथब्रश विद अदर्स. सो हमें अपना टूथब्रश किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट के लिए इन दी गई ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको इफेक्टिव नहीं मालूम होता है? ऑप्शन ए, प्रायोरिटाइज द टास्क वाइजली. यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन सी, रिमूव नॉन एसेंशियल टास्क. दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, प्लान अहेड. दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन बी, डू नॉट सेट अ टाइम लिमिट फॉर एनी वर्क. दिस इज नॉट इफेक्टिव इन टाइम मैनेजमेंट. हैज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 29, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. ऑप्शन ए, स्कूल अहेड, ये इसका करेक्ट मैच है. ऑप्शन बी, यू टर्न प्रोहिबिटेड, ये गलत है क्योंकि ये जो साइन है जो एरो फ्रंट की तरफ दिखा रहा है उसका मतलब होता है स्ट्रेट प्रोहिबिटेड या फिर नो एंट्री. ऑप्शन सी, राउंड अबाउट, ये मैच करेक्ट है. ऑप्शन डी, मैन एट वर्क, ये मैच भी करेक्ट है. सो द इनकरेक्ट मैच इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस शोज एन एग्जांपल ऑफ ऑनेस्टी. ऑप्शन ए, इफ आई एवर नोटिस सम वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फ्लोर इन द स्कूल आई विल रिटर्न इट टू द हेड ऑफ द स्कूल. तो आप अगर कोई वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है जो कि आप देखेंगे ग्राउंड में स्कूल में गिरा हुआ है तो आपको क्या चाहिए कि आप उसे हेड ऑफ द स्कूल को लौटा दें. सो ये हो गई ऑनेस्टी एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन 31, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ कश्मीर. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ पंजाब. स्टेटमेंट 2, नादा स्वरम इज अ विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक ट्रेडिशनल क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड केरला में इस्तेमाल किया जाता है. And this instrument is among the world's loudest non-brass acoustic instruments. Statement 3, Kuchipudi is a classical dance of India originated in Andhra Pradesh. So this statement is correct. Kuchipudi एक गांव का भी नाम है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है. Statement 4, The Scream is a famous painting painted by Pablo Picasso. This statement is incorrect. Scream painting एक Norwegian artist जिनका नाम है एडवर्ड मंच 1893 में इन्होंने ये वाली पेंटिंग बनाई थी. वो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ओनली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3. हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन 32, द गिवन बार ग्राफ शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर इन अ स्कूल. हाउ मेनी मोर डेस्क वर देयर इन अ स्कूल देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स एंड बुककेसेस. नंबर ऑफ चेयर्स हैं 200, नंबर ऑफ बुक केसेस हैं 150. सो चेयर्स एंड बुक केसेस का टोटल आता है 200 प्लस 150 इज इक्वल टू 350. नंबर ऑफ डेस्क कितने हैं? 400. एंड हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि डेस्क कितने ज्यादा हैं बुक केस और चेयर्स के टोटल से. 400 माइनस 350 कितना आता है? 50. So there are 50 more desks than bookcases and chairs. Hence correct option is B, 50. Question 33, which of the following options of Windows 7 can be used to do the following task? So यहाँ पे दो task दिए गए हैं. पहला तो है to explore and manage the contents of your computer drive. And second one is to check the status of all the storage areas on your computer. पहला जो option है A वाला, ये जो आइकन है ये रिसाइकल बिन की आइकन है और जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो तो इट इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर परमानेंटली. इन विंडोज 7 प्लेसेस द डिलीटेड आइटम्स इनटू द रिसाइकल बिन. ऑप्शन बी जो है ये वाला आइकन गूगल क्रोम का है एंड गूगल क्रोम इज अ फ्री ब्राउजर यूज फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट.
ऑप्शन सी में जो आइकन दिया गया है वो है नोटपैड का, एंड नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर एंड इट लेट्स यू क्रिएट ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स विद द .txt फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन डी में जो आइकन दिया गया है वो है माई कंप्यूटर का, जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था विंडोज 95 से, और इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या होता है कि आप जो फाइल्स एंड फोल्डर्स आसानी से खोल सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने पीसी की स्टोरेज देख सकते हैं। हेंस विंडोज 7 कैन बी यूज्ड टू डू द फॉलोइंग टास्क विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन डी माई कंप्यूटर। क्वेश्चन 34, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे तीन ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अगर आपको इन तीनों में से एक भी आंसर आता होगा तो आपको इसका सही ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज डैश इज एन अरीना फॉर ट्रैक साइकिलिंग। वेलोड्रोम इज अ साइकिल रेसिंग ट्रैक टिपिकली विथ स्टीपली बैंक्ड कर्व्स। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंड अभिनव बिंद्रा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1896। Hence, correct option for this question is A. For extra information, जो statement 1 के नीचे जो सारे options दिए गए हैं A, B, C and D, तो ये सारे options वो है जहाँ पर particular sports खेला जाता है। Velodrome में track cycling होती है, B, diamond में baseball खेला जाता है, bandy rink में bandy नामक एक game जो hockey की तरह होती है वो खेली जाती है, एंड लास्ट ऑप्शन डी में जो पीछे दिया गया है वो अक्सर क्रिकेट खेलने के ही काम आता है। क्वेश्चन 35, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दे दिया गया है जिसे कि आपको मैच करना है और फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट ए का आंसर ढूंढ लेंगे जिससे कि हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल सकता है। एडमंड हिलरी और शेरपा वो पहले ऐसे माउंटेनियर थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था 29 May 1953 को। तो यहाँ पे ए कॉलम 1 का हो रहा है मैच कॉलम 2 के नंबर 2 से। सो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है ए के नीचे ऑप्शन डी में नंबर 2 दिख रहा है, एंड कहीं और ऑप्शन में नंबर 2 नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बी सी स्ट्राइक आउट हो जाते हैं और हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है जो कि है ऑप्शन डी।